ऑक्शन कौन करता है, किस डेट में होता है, क्या प्रोसेस है, क्या मिल सकता है, कौन पार्ट ले सकता है। वीडियो के पहले 2 या 2.5 मिनट के अंदर ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ऑक्शन में पार्ट ले सकते हैं आप लोग और क्या सिनेरियो रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल में जानना कि किस तरीके से पार्ट ले सकते हैं, क्या रिस्क है, कितना प्रॉफिट है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, नहीं तो पहले 2 या 2.5 मिनट में आपका फंडा क्लियर हो जाएगा ऑप्शन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर, आप सभी देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल व्यापार, जहां पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम क्लियरेंस के बारे में और ऑक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आपके पुराने वाले मेरे पुराने एयरपोर्ट ऑक्शन के वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना रह गया था कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताया था कि ये ऑक्शन होता है, ये पार्ट, ये ऑक्शन में ये माल आया हुआ है, इसमें ये कंप्लाइंसेस हैं, और मैंने ऊपर अपना नंबर दे दिया था। एक्चुअल में मैंने आप लोगों को बताना भूल गया कि मोटा मोटा प्रोसेस क्या रहता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के वो डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में मेरे से पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑक्शन करता कौन है। तो देखिए, इंडिया में जो पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में जो ऑक्शन होते हैं, वो इस टाइम पे MSTC करके एक वेबसाइट है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट ये ऑक्शन वाले पेज का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे ऑक्शन की सारी लिस्ट होती है इंडिया में इस टाइम पे, जहाँ जहाँ ऑक्शन हो रहे हैं वो सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी उस नीचे लिंक पे क्लिक करके। तो MSTC एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फर्म है जो इन सारे ऑक्शंस को करती है। ऑल ओवर इंडिया में जितने ऑक्शंस होते हैं, कस्टम्स ऑक्शन हो चाहे किसी भी दूसरे बड़ी कंपनी का ऑक्शन हो, वो MSTC के द्वारा ही किया जाता है। अब ये ऑक्शन जो है वो किस ऑक्शन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं ऑक्शन का, देखिए बेसिक प्रोसेस ये होता है। अगर आपको किसी भी ऑक्शन में पार्ट लेना है, चाहे वो कस्टम ऑक्शन हो, चाहे वो किसी भी और तरह का ऑक्शन हो, आप किसी भी और तरह का ऑक्शन क्या होता है, किसी भी और तरह का ऑक्शन ये होता है कि इंडिया में कई तरह की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है, गवर्नमेंट फर्म्स और प्राइवेट फर्म्स। अब जो उन फर्म्स में बहुत सारी चीज़ें, एसेट्स होती हैं उन लोगों की, जो मशीनें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, जो कार वो लोग यूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, या बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनका एक एज होता है, वो उन चीज़ों को यूज़ करने के बाद उन चीज़ों को जब वो रिप्लेस करते हैं, तो उन चीज़ों को वो कहीं ना कहीं तो बेचेंगे उसको। कबाड़ी वाले को बुला के तो वो दिखा नहीं सकते कि भाई ये आइटम है, मेरे को बता दो क्या भाव लगेगा इसका। तो वो बड़े बड़े जो आपके स्क्रैप होते हैं, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग, जब बड़ी बड़ी कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो बहुत सारे रॉ मटेरियल का स्क्रैप निकलता है, आयरन स्क्रैप, कॉपर स्क्रैप, निकल स्क्रैप या किसी भी और तरह का स्क्रैप, वो सारी चीज़ें भी MSTC के थ्रू ऑक्शन में आती हैं। वो जो बड़ी बड़ी मशीनें जिन चीज़ों से वो बनाई जा रही हैं, वो भी कभी ना कभी जब उनका लाइफ एंड होता है तो वो चीज़ें ऑक्शन में आ जाती हैं। गाड़ियाँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो वो भी कई बार ऑक्शन में आ जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऑक्शन में आती हैं। और कस्टम्स में जो चीज़ें ऑक्शन में आती हैं वो ये होती हैं कि कस्टम्स में जब लोग इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट में इस टाइम पे इंडिया में आप लोगों को पता है कि कई तरह की कंप्लाइंसेज हैं, BIS है, WPC है, EPR है आपका, कई तरह के पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स हैं जो चाहिए होते हैं इस टाइम पे इंपोर्ट को क्लियरेंस कराने के लिए। तो कई बार इंपोर्ट क्लियरेंस उन कंप्लाइंसेज को पूरा ना करने के चक्कर में, या कई बार लोग वाक जानबूझ के भी कंटेनर को छोड़ देते हैं, क्योंकि डैमरेज और डिटेंशन इतना लग जाता है कि उनका फिर कुछ बनता नहीं है उस कंटेनर को लेने का। तो इस तरीके से कस्टम के जो ऑक्शन होते हैं, वो कस्टम में पकड़े हुए माल का जब कोई क्लेम करने नहीं आता एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, तब उसको ऑक्शन में डाल दिया जाता है ताकि उससे कुछ पैसा वसूल किया जा सके। तो आप लोगों को पता लगे कि ऑक्शन कौन किस तरीके से होता है और कौन करता है। अब ये किस डेट में होता है, आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि किस डेट में होगा। तो देखिए, जो भी डेट होती है वो MSTC की वेबसाइट है, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, MSTC की वेबसाइट पे सारी डिटेल मिल जाती है। वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं कि इस डेट में यहाँ पे इंस्पेक्शन की डेट है, ये बिडिंग वाली डेट है, ये जाके आप लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कौन पार्ट ले सकता है, देखिए इन ऑक्शन में जो इंडिया में इस टाइम पे जितनी ऑक्शंस होते हैं उनमें पार्ट लेना है तो आपको MSTC में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है 11,800 रुपये इंक्लूडिंग GST, वैसे 10,000 रुपये है, तो GST को इंक्लूड करके 11,800 रुपये हो जाती है। वो 11,800 रुपये दे के आपको एक कार्ड बनाना पड़ता है, वहाँ से आपके नाम का एक कार्ड आता है, उस कार्ड को दिखा के आप किसी भी ऑक्शन के इंस्पेक्शन में जा सकते हैं। अब इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन देखिए, जब भी कोई ऑक्शन होता है तो उसकी एक इंस्पेक्शन डेट निकाली जाती है कि इस डेट को, एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो ऑक्शन करने वाली पार्टी है सामने वाली वो क्या चाहती है। तो ऑक्शन का एक डेट निकाला जाता है, उस ऑक्शन के डेट में जो जो MSTC के थ्रू जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो जाते हैं, माल को देखते हैं, अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कि उनके हिसाब से इसकी क्या बोली लगनी चाहिए, क्या वो खरीद के, वो कितने में इसको खरीदे ताकि वो आगे बेच सकें। तो वैल्यूएशन के पर्पज़ से और माल को दिखाने के पर्पज़ से एक इंस्पेक्शन डेट रखी जाती है। फिर जिस दिन इंस्पेक्शन डेट ख़त्म होती है उसके अगले दिन या एक दिन गैप देके एक ऑनलाइन बिडिंग का सिस्टम होता है। ऑनलाइन बिडिंग भी सेम MSTC की वेबसाइट में जाके ही होता है। जब आप MSTC में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कार्ड के साथ साथ आपको एक ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है,
उस पासवर्ड से लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको क्या कहते हैं लॉगिन करके फिर आपको बोली लगानी होती है लॉट वाइज। अब ये जो बोली का प्रोसेस है ये भी आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आप मेरे को दिखाइए कि किस तरीके से ऑनलाइन बोली लगाई जाती है, तो इसके लिए भी मैं आगे एक वीडियो लेके आऊँगा। मैं तैयार हूँ उस वीडियो में, मेरे पे पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो आप लोगों को एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा, वो किसी और वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये मोटा मोटा ऑक्शन का प्रोसेस था, ये मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को, कंप्लीट हो चुका है, ये मोटा आइडिया हो गया है। अगर आप लोग आप लोगों को पता लगे कि ऑक्शन किस तरीके से होते हैं इंडिया में इस टाइम पे, और अगर आप लोगों को इसमें और जानना चाहते हैं तो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरी डिटेल में कि किस तरीके से ऑक्शन में पार्ट लेते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या रिस्क होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो अभी आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऑक्शन में पार्ट लेना तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, थोड़े बहुत और डाउट डिटेल में आप लोगों की क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोसेस एक बारी और आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को MSTC में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। MSTC में रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए? MSTC में रजिस्ट्रेशन के लिए जो मोटा मोटा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका, एक आपकी फर्म होनी चाहिए यानी GST होनी चाहिए आपके पास, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक करंट अकाउंट होना चाहिए, आपका कैंसिल चेक चाहिए, एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ITR चाहिए, ITR भी चाहिए होता है, ITR काफ़ी मैंडेटरी होता है। अगर ITR नहीं है तो आप एक डिक्लेरेशन में उसको दे के काम चला सकते हैं। एक और डॉक्यूमेंट होता है सिग्नेचर वेरिफिकेशन। तो ये दो चार डॉक्यूमेंट है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं MSTC में रजिस्ट्रेशन कराना, और कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप लोग हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसमें होता ये है कि हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, और जिस दिन आप हमको डॉक्यूमेंट भेज देते हैं उसके 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन होकर आपका ईमेल ID, लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाता है। अब ये हो गई हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन कराने की, मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक रुकते हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑक्शन से रिलेटेड। तो अब होता है कि इंस्पेक्शन डेट और बिडिंग में क्या फ़र्क है? देखिए, इंस्पेक्शन में होता है कि आपको जाना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है, और नेक्स्ट जब बिडिंग होती है तो बिडिंग। अब कई लोग मेरे से ये कहते हैं कि भाई हमें MSTC में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, बट आप मेरे लिए माल खरीद कर दे दिए। तो देखिए, हम ये वाली सर्विस अभी तो नहीं प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारे आपके बिहाफ पे हम बिडिंग कर दें और आप माल लेके चले जाएँ, तो ये वाली सर्विस अभी तो हमारे पास नहीं है। तो और आप लोग ये भी, बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कमेंट में, कॉल करके भी और मैसेज करके भी, क्या मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या मैं जाके पहले माल देख सकता हूँ, क्या मुझे अगर समझ में आता है तो मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा, ऐसा करके कुछ हो सकता है क्या? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। कस्टम ऑक्शन में तो खासकर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कस्टम ऑक्शन में जो ऑक्शन होता है वो बॉन्डेड एरिया में होता है, यानी कि वहाँ इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट, वहाँ पर आपको फ़ोटो लेना भी अलाउड नहीं होता। तो फोटो लेना मतलब वहाँ पे आपको बिना घुसना भी अलाउड नहीं है किसी को भी जिसके पास कार्ड नहीं है, या जैसे देखिए मेरे पास जो है, हमारे पास कस्टम्स का कार्ड है, तो हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होती है वहाँ पे जाने के लिए, बट कोई नॉर्मल बंदा उस एरिया में नहीं आता, उसे बॉन्डेड एरिया कहते हैं। वो सिर्फ जिनको पास अथॉरिटी है वही जा सकते हैं उस एरिया में। तो बिना रजिस्ट्रेशन के उस एरिया में जाके माल को देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, रिस्क वाला फैक्टर है। अगर आप किसी के साथ धोखे से चले गए तो बहुत बाद में आपको उसके सरकमस्टेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो बिना रजिस्ट्रेशन के माल को देखने के लिए जाना ऑक्शन में, कस्टम ऑक्शन में, मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं। तो देखिए, अब बात करते हैं थोड़े से रिस्क फैक्टर्स की। इसमें रिस्क कहाँ पे आती हैं चीज़ों में, कहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है जब आप ऑक्शन में पार्ट लेते हैं। तो जो ऑक्शन में पार्ट लेने में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है वो तो होता है, देखिए इंस्पेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए माल देखिए अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाइए। अब बात आती है इसको खरीदने की यानी बिडिंग की। अब जो बिडिंग होती है, बिडिंग का क्या प्रोसेस होता है? देखिए, बिडिंग जो होती है वो ऑनलाइन होती है। जो भी वहाँ पे सेलर है वो एक टाइम फिक्स करता है, जो कि जनरली सुबह के 11 बजे होता है, और जो उसकी एंडिंग टाइम होती है वो दोपहर के 3 बजे तक वो बिडिंग ख़त्म हो जाती है। अब बिडिंग में क्या होता है, देखिए बिडिंग में होता यह है, जब आप बिडिंग करते हैं, जब बिडिंग स्टार्ट होती है ऑनलाइन, तो दोपहर के 3 बजे तक का टाइम है। अब एक सपोज़ किसी लॉट के लिए आप बिडिंग कर रहे हैं, और बिडिंग करते करते उस लॉट की जो वैल्यू है वो पहुंच गई है 10 लाख रुपए तक की उस लॉट की, और क्या कहते हैं 2:59 हो रहे हैं। अब 2:59 पे अगर कोई 5 रुपये या 10 रुपये की ऊपर की बोली लगा देता है तो वो 10 मिनट और एक्सटेंड हो जाती है वो बोली, तो वो 3 बजे नहीं ख़त्म होता है। अब होते होते ये बोली कई बार पूरी पूरी रात भी चलती है। तो बोली का जो ऑनलाइन बिडिंग का सिस्टम है वो ये है कि अगर कोई भी 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये ऊपर बढ़ा के बोली लगा देता है तो वो अगले 10 मिनट के लिए एक्सटेंड हो जाता है। तो बिडिंग का सिस्टम ये है। और इसमें रिस्क वाला फैक्टर एक और ये आ जाता है कि अगर आप बिडिंग करते हैं, अगर आप लोगों को अब क्या है कि हर एक ऑक्शन में नीचे डिटेल लिखी होती है कि ये चीज़ें आपको पूरी करनी ज़रूरी है जब आप इस ऑक्शन को खरीदेंगे, जब इस ऑक्शन को बिडिंग करेंगे। बिडिंग के बाद अगर ये लॉट आपको अलॉट हो जाता है तो ये सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन क्या होता है, कई बारी जो पिछले एयरपोर्ट के ऑक्शन में ब्लूटूथ स्पीकर आए हुए थे, उन ब्लूटूथ स्पीकर को अगर आपको खरीदना है तो उसको पहले आपको WPC कराना ज़रूरी है। WPC क्या होता है, वायरलेस प्रोडक्ट सर्टिफिकेट करके एक सर्टिफिकेट होता है, जो कि आप कुछ भी चीज़ अगर बाहर से इम्पोर्ट करते हैं इंडिया में
और वो वायरलेसली चलती है वाया ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या वाईफाई, तो उसके लिए आपको WPC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यानी मॉडल के ऊपर। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। सपोज़ आपने वो बिडिंग कर दी और फिर बाद में आप वो WPC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो फिर उस केस में आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है 6 महीने तक। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है कि आप फिर अगले 6 महीने तक किसी भी ऑक्शन में बिडिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका माल देखने जाना है तो आप माल देखने के लिए जा सकते हैं, बट बिडिंग नहीं कर पाएंगे अगले 6 महीने तक अगर आपका आईडी पासवर्ड सस्पेंड हो जाता है किसी भी कारण से। अब आता है कि आपको आपने माल देख लिया, आपने बिडिंग कर दी और माल आपको अलॉट हो गया, अब उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। अब उसके बाद का देखिए प्रोसेस ये होता है, आपको MSTC में पैसे जमा करने होते हैं और जो सेलर है उसके अकाउंट में पैसे जमा करने होते हैं। MSTC आपको एक डिलीवरी इशू करता है और सेम डिलीवरी ऑर्डर जो आपका फाइनल सेलर है जैसे कॉनकोर है, वो एक DO इशू करता है आप लोगों को। डिलीवरी इशू करने के बाद फिर उसका एक गेट पास कटता है, कॉनकोर के केस में कह रहा हूँ, कस्टम ऑक्शन के जो कंटेनर ऑक्शन होता है, कॉनकोर आपके सक्सेसफुल बिडिंग के बाद कंटेनर सारे पैसे वैसे देने के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज़ अगर कोई कागजी कार्रवाई है वो करने के बाद, कॉनकोर आपको गेट पास अलॉट करता है और गेट पास ले जाके आपको फिर उसका डिलीवरी ऑर्डर अलाउट करता है। फिर वो डिलीवरी ऑर्डर के थ्रू आपका गेट पास बनता है, आपको अपना कंटेन अपना ट्रक वहाँ पे लेके जाना होता है पोर्ट पे, फिर सारी चीज़ें अनलोड करके माल आपको लेके जाना होता है वहाँ से, कंटेनर आपके साथ नहीं जाता है। तो ये हो गया आपका लेने का। और ये प्रॉफिट, तो देखिए प्रॉफिट का जो मैं कहूँगा प्रॉफिट तो ये है, इसमें कंटेनर ऑक्शन में और एयरपोर्ट ऑक्शन में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि एयरपोर्ट ऑक्शन में जो चीज़ें आती हैं वो आती है बहुत कम क्वांटिटी में, यानी 2 लैपटॉप आ गए एक लॉट में, 2 iPad आ गए एक लॉट में, या कुछ मोबाइल फ़ोन आ गया, या कुछ आपका स्पीकर आ गया, या कुछ प्रिंटर आ गया, या कुछ भी जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं। तो एयरपोर्ट ऑक्शन में ये है कि आप लोग जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी बिडिंग करके ले सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को पिछले एयरपोर्ट वाले ऑक्शन में दिखाया था कि वहाँ पे कितने यंग लोग भी आ रहे थे, इवन बच्चे भी मैंने देखे कुछ वहाँ पे 19-20 साल के जो आए हुए थे वहाँ पे माल देखने के लिए। तो होपफुली जो वो लोग खरीदेंगे तो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही खरीदने वाले हैं, उसको आगे बेचने के लिए नहीं खरीदने वाले। ऑन अदर हैंड जो आपका कंटेनर ऑक्शन होता है वो कम्प्लीटली क्या कहते हैं एक बहुत बड़े लेवल पे होता है, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छी चाहिए, आपके पास प्रॉपर मार्केटिंग होनी चाहिए उस सामान को आगे बेचने के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है अगर आप कंटेनर ऑक्शन में पार्ट लेते हैं तो उसके लिए आपके पास अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए, आपके पास पैसे लगाने की ताकत होनी चाहिए शुरू में, ताकि आप बोली लगा के उस माल को उठा के फिर उसको बाद में थोड़ा स्टॉक करके बेच सके, ताकि उस माल को होल्ड कर सके कुछ टाइम तक और आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है हमारे थ्रू जितने ज़्यादातर लोगों ने इन कस्टम ऑक्शन में MSTC में रजिस्ट्रेशन कराया है वो ज़्यादातर ऑलरेडी बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक साइड बिजनेस की तरह इसको लेने की कोशिश करी है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं है। कई लोग सोचते हैं मेरी वीडियोज़ को देख के कि इसमें मैं आऊँगा कौड़ी के भाव चीज़ों को खरीदूंगा और बेच के बिल्कुल बहुत ही अमीर बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तक मैंने जितने लोगों से मिला हूं, जितने लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी कोई बिज़नेस चल रहा है और उनके पास अच्छा खासा फंड है, बैकअप है, और वो चाहते हैं कि अपने उसके साथ साथ एक छोटा सा और बिज़नेस कोई साइड बिज़नेस करे जिसमें कि अच्छा खासा प्रॉफिट है। ऑब्वियसली इसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो पैसा भी अच्छा लगाना पड़ता है इसमें। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कंटेनर ऑक्शन में पार्ट लेते हैं। MSTC में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कंटेनर ऑक्शन, आपका एयरपोर्ट ऑक्शन और दूसरे जितने कार के ऑक्शन होते हैं या स्क्रैप के ऑक्शन होते हैं, मशीन के ऑक्शन होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ अपने पुराने क्या कहते हैं फर्नीचर बेचते हैं, तो जितने ऑक्शन होते हैं उन सारे ऑक्शंस में पार्ट ले सकते हैं। चाहे तो अपने घर के लिए खुद पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ों को एयरपोर्ट ऑक्शन से या किसी और यूनिवर्सिटी के या किसी और ऐसे फर्म के ऑक्शन से जहाँ पे फर्नीचर वगैरह मिल रहा है वहाँ से खरीद के अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख सकते हैं। चाहे अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप हैवी क्वांटिटी में खरीद के फिर उसको आगे बेच सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोगों की, हम लोग क्या इसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग अभी तक रुके हुए हैं तो ऑब्वियसली आप लोग ऑक्शन में पार्ट लेने में इंटरेस्टेड होंगे। तो हमारी जो सर्विस होती है वो ये होता है कि हम आपका रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, उसके बदले में हमारी एक छोटी सी फीस होती है जो हम आपसे चार्ज करते हैं, जो कि आप लोग इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको और डिटेल में पता लग जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारे थ्रू अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अगले 1 साल तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑक्शन में, क्योंकि कई तरह की कागजी कार्रवाई होती है, कई तरह के डॉक्यूमेंट आपको पुटअप करने पड़ते हैं, कई जगहों पे प्रॉब्लम आती है डिलीवरी ऑर्डर लेने में, तो उन सारी चीज़ों में हम आपको अगले 1 साल तक असिस्ट करते हैं। अगर आप कोई भी ऑक्शन में पार्ट लेते हैं तो उन सारी चीज़ों में हम आपको असिस्ट करते हैं। तो ये सारा का सारा ऑक्शन का सिनेरियो था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से ऑक्शन इंडिया में काम कर रहा है इस टाइम पे, किस तरीके से आप ऑक्शन में पार्ट ले सकते हैं, किस तरीके से आप बोली लगा सकते हैं, किस तरीके से माल खरीद सकते हैं।
तो अब तक अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस चैनल पे ऑक्शन रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो अब तक देखने के लिए, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्ते।